इस राजयोग के लिए सारा दिन मन को व्यर्थ से मुक्त रखना थोड़ा थोड़ा यह अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूं शरीर में थोड़ा थोड़ा भी घंटे में एक दो बार जस्ट फॉर फाइव टेन सेकेंड्स इससे आपके संकल्पों का प्रवाह धीमा होता जाएगा मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण सारा दिन न जाने क्या क्या सोचता रहता है और शाम तक उसके संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है ये संकल्पों की फास्ट स्पीड मनुष्य को थकाती है काम काज नहीं थकाते मनुष्य को जिम्मेदारियां नहीं थका रही हैं मनुष्य को थका रहे हैं व्यर्थ संकल्प संकल्पों की फास्ट स्पीड तो सारा दिन जब आप थोड़ा थोड़ा राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी मन की स्पीड धीमी रहेगी स्लो रहेगी और आप इस अभ्यास से अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर भी सकेंगे कभी भी तो ये अभ्यास बढ़ाना बहुत आवश्यक है आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बीच बीच में दस दस सेकंड याद कर लो मैं आत्मा हूँ आंखों से देख रही हूँ फिर दोबारा अभ्यास कर लो मैं सुल आत्मा हूँ कानों से सुनती हूँ फिर तीसरी बार अभ्यास कर लो मैं चैतन्य आत्मा हूँ हाथों से काम कर रही हूँ ये कॉन्शियसनेस आपको नई एनर्जी देगी थकाएगी नहीं कंप्यूटर पे काम करते करते लोगों का ब्रेन भी थकता है युवकों का और शारीरिक थकान भी उन्हें बहुत होती है लेकिन यदि आप ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो शाम को जब काम करके उठेंगे आपने दस घंटे काम किया हो एनर्जेटिक रहेंगे आपको ऐसा लगेगा हमने कुछ भी काम नहीं किया है साथ में अब राजयोग में एक दूसरी फीलिंग आप कर सकते हैं स्वयं भगवान हमारा साथी है तो जैसे वो आपके साथ है आपके सिर के ऊपर है तो उसकी एनर्जी भी आप में प्रवेश करती रहेगी और डबल क्या दस गुना फोर्स आपके अंदर रहेगा आप अपने कार्यों को एन्जॉय करेंगे थकान बिल्कुल नहीं होगी ड्यूटी आपकी डांस बन जाएगी दूसरों को प्रेरणा मिलेगी देखो ये व्यक्ति भी तो सवेर से काम कर रहा है पर इसका चेहरा खुशी से कितना चमक रहा है आओ हम भी ये राजयोग मेडिटेशन सीखें तो राजयोग मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ लिविंग ये हमें जीवन जीना सिखाता है तो चलें जहाँ भी आप बैठे हैं थोड़ा सोल कॉन्शियस हो जाए मैं सटिल आत्मा ब्रकुटी की कोटिया में विराजमान आंखों से देख रही हूं ओम शांति